ये फोन तो ले रखा है हाथ में, मुझे तो लगता है स्टडी टेबल पर बैठ के फोन ही देखेगा। नहीं क्यों? हाँ स्कूल की छुट्टी है, स्कूल का काम हो रहा है, पढ़ा है, अच्छा। तब इसका क्या करेंगे? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है हमारे यहाँ तो, और मैंने शॉल स्वेटर पूरा अच्छे से पहना हुआ है, सॉक्स तो उतरते नहीं है पैरों में से। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग को कर लिया स्टार्ट। क्या क्या करूँगी, पूरे दिन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। वैसे ठंड में ज़्यादा ब्लॉग बनाने का मन तो नहीं करता है, फिर भी स्किप हो जाता है तो फिर थोड़ा सा बुरा लगता है। इसलिए जो भी बने, जैसा भी हमारे घर में चल रहा होता है, मैं आपके साथ शेयर करती ही हूँ। तो ब्लॉग को कर लेती हूँ स्टार्ट। और अभी कोई घर का कोई रूटीन नहीं दिखा रही हूँ, मैं कहीं जाने वाली हूँ थोड़ी देर में। तो कहाँ जा रही हूँ और क्या लेने जा रही हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, जो चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं है, मैं बार बार बोलती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल पर, बहुत बहुत कम सब्सक्राइबर हैं और उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कहने का मतलब ये है। तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो कहाँ जा रही हूँ मैं आपको बताऊँगी, और क्या क्या लेकर आऊँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा वीडियो में। और मैं मिलूँगी थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, हम निकल गए थे घर से, और कहाँ जा रहे हैं और क्या लेने जा रहे हैं वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे थे मतलब कि ग्रेटर नोएडा में, सावेरी पड़ता है, सावेरी गांव बोलते हैं उसको, लेकिन है ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह हैं वहीं पर है। तो वहाँ पर क्या है ना, बड़े बड़े मतलब शोरूम हैं, जैसे कि फर्नीचर के शोरूम या फिर कोई बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पर, लेकिन अच्छी अच्छे हमारे बजट में मिल जाती हैं। तो वहीं पर जा रहे हैं हम, और क्या लेने जा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हम जा रहे हैं अपने बच्चों की स्टडी टेबल लेने के लिए। तो एक बार अभी ट्राई करने जा रहे हैं, यदि पसंद आती है तो वहाँ से लेकर आएंगे, नहीं आती तो फिर वापस आ जाएंगे देख करके, क्योंकि सिर्फ अभी अभी हम वहाँ पर ट्राई करने जा रहे थे। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, तो वहाँ से तो हम आ गए हैं और वो पसंद भी आ गई थी हमें स्टडी टेबल, तो साथ में हम लेकर भी आ गए हैं। तो सही लगी हमें, क्योंकि घर पर बनवाने की सोच रहे थे तो हमें वहीं पर मिल गई, तो हमने वहीं से उनको ख़रीद लिया। फ्रेंड्स, हम वहाँ से आ गए थे और वहाँ की मैंने वीडियो नहीं बनाई, और अभी मैंने बच्चों को चाय वगैरह दी है बना के वहाँ से आके। और वहाँ पर हम गए थे तो वहाँ की कोई भी वीडियो मैंने अंदर की नहीं बनाई। तो क्या लेने गए थे वो मैंने आपको बता ही दिया है, और मैं दिखाती हूँ कि वो जो स्टडी टेबल है वो है कैसी। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी कि स्टडी टेबल मेरे तीनों बच्चों की है कैसी। तो मैं तीनों बच्चों की स्टडी टेबल लेकर आई हूँ, तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। तो कुछ इस तरीका से है गुनगुन की स्टडी जो टेबल लेकर आए हैं हम, ये देख सकते हैं। तो ये मैं सामने से दिखाती हूँ, काफ़ी बड़ी है वैसे, और यहाँ पर यह ऊपर टेबल जैसा है, जैसे कि बैग रख सकते हैं या पढ़ाई की कोई भी चीज़ रख सकते हैं, और नीचे काउंटर जैसा भी बना हुआ है, और सामने हम चेयर रख के पढ़ सकते हैं, यहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके की है गुनगुन की स्टडी टेबल, ये देख सकते हैं। तो ये है, और गुनगुन की जो स्टडी टेबल है गुनगुन के ही रूम में मैच कर रही है, जैसे कि उसकी कबर्ड है, मतलब कि कपड़े रखने की या कुछ भी सामान रखने की, तो कुछ कुछ सेम उसी तरीक़ा से मिल गई है यहाँ पर स्टडी टेबल भी। तो ये एक कोने में ही आ गई है और गुनगुन का काम इससे चल जाएगा। तो गुनगुन की थी ये, अभी मैं कार्तिक की आपको दिखाती हूँ। तो गुनगुन की तो मैंने आपको दिखा दी है, और अभी मैं लेके चलती हूँ कि कार्तिक की स्टडी टेबल है कैसी। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, कार्तिक की यह है स्टडी टेबल। तो कार्तिक, थोड़ा लाइट बढ़ाओ रूम में, पहले थोड़ा सा लाइट बढ़ा दो, थोड़ा क्लियर आए। हाँ अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है, उतना ही रहने दो। तो यह है कार्तिक की। तो गुनगुन की और कार्तिक की ना सेम ही है, ये देख सकते हैं। और मैं पास से दिखाती हूँ आपको, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा स्पेस है इसका। तो इस तरीक़ा से है कुछ नीचे, और यहाँ पर दिए गए हैं ये दो कवर टाइप में, जैसे कि कोई भी सामान रख लो
और यहाँ पर कार्तिक अपनी चेयर रखेगा, ऊपर बुक वगैरह रखेंगे, बैग वगैरह रखेंगे, तो कार्तिक का यहाँ पर काम चल जाएगा। तो ये थी कार्तिक की स्टडी टेबल, और कार्तिक की जो स्टडी टेबल है वो भी उसके यहाँ पर कबर्ड से मैच कर रही है, ये देख सकते हैं बिल्कुल सेम सेम लग रही है। तो ये कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैचिंग लेकर आए, लेकिन वहाँ पर जाकर देखा तो हमें लगा कि ये हमारे जो कबर्ड है उसे मैच करेगी, और पास पास में ही रखी जाएंगी तो अच्छा लगेगा। तो इस तरीक़ा से ये कार्तिक की स्टडी टेबल थी, और यहाँ पर कार्तिक की कबर्ड पास में ही है, ये देख सकते हैं इसका लुक, और इसकी जो माइका लगी हुई है ऐसे ही स्टडी टेबल की है। तो यह थी कार्तिक की, गुनगुन की मैंने आपको दिखा दी है अभी मैं। तो फ्रेंड्स मैंने गुनगुन की और कार्तिक की तो दिखा दी है, अभी मैं लेके चलती हूँ आपको गणेश जी के रूम में। कार्तिक बोल रहा है कि शैतान जी बोलो, तो मैं लेके चलती हूँ गणेश जी के रूम में, और गणेश जी की स्टडी टेबल कैसी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इन दोनों से थोड़ी सी कलर में अलग है, लेकिन इसकी भी बहुत बहुत अच्छी है, मतलब उसी टाइप की है लेकिन थोड़ी छोटी है। ये छोटा है तो इसकी स्टडी भी टेबल भी छोटी है। तो बैक कैमरे से दिखाती हूँ, और गणेश यहीं पर लेटा हुआ है और बेड पर, और अपना लिया है मुँह छुपा। तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ अभी गणेश की भी। तो ये देख सकते हैं गणेश की स्टडी टेबल, और गणेश की स्टडी टेबल भी ये देख सकते हैं इस तरीक़ा से। तो गणेश ने भी यहाँ पर पानी भी पी के बर्तन रख दिया यहीं पर। तो गणेश की कुछ इस तरीक़ा से है, ये देख सकते हैं, और यहाँ पर बैग भी रखा है उसने अपना, और वो भी खाली करके, बुक इसके अंदर रख दी होंगी शायद, और ये ऊपर खाली करके रख दिया क्योंकि शौक चढ़ा है, अभी सारी बुक निकाल दी है। तो गणेश की है कुछ इस तरीक़ा से मायका, तो ये देख सकते हैं यह है गणेश की स्टडी टेबल। यहाँ पर सेम है उनके जैसी है, जैसी उन दोनों की है ऐसी ही इसकी है। और गणेश कहाँ पर है, गणेश मुंह दिखाओ अपना, गणेश मुंह दिखाओ थोड़ा सा, जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा सा गणेश, ये देखो गणेश का मुंह, ये रहा गणेश है ना। और इसने ना अपनी यहाँ पर ये चेयर भी रख ली है, तो बैठ के भी दिखाएगा भाई वो। गणेश कैसी लग रही है टेबल, कैसी लग रही है ये क्या, ये पैर की वजह हो गया, पैर की वजह हो गया, पैर रखने का ये पैर के, ये अच्छा अच्छा ये पैर तो भी हाँ, ये छूट जा, अच्छा चलो ये ठीक करा देंगे, ये ऊपर ना ये कुछ लगा हुआ वो हट गया है, ठीक है। अच्छा बैठने में कैसा लग रहा है ये बताओ, अच्छा लग रहा है, इधर देखो। अच्छा स्टडी टेबल भी आ गई है, और सब कुछ ला के देते हैं पापा, और पापा कह रहे थे कि भी पढ़ाई करनी है ना, कि शौक पूरा करना है, तो पढ़ाई करोगे? हाँ। तो कहाँ से पढ़ाई होगी, फोन तो ले रखा है हाथ में, मुझे तो लगता है स्टडी टेबल पर बैठ के फोन ही देखेगा। नहीं नहीं तो पास, हाँ स्कूल की छुट्टी है, स्कूल का काम हो रहा है, पढ़ा है, तभी तब इसका क्या करेंगे, किसका इसका भी। अच्छा उस टाइम फिर क्या करना है, तब हमारी छुट्टी है स्कूल की। अच्छा अभी छुट्टी चल रही है स्कूल की, तो उस टाइम क्या करना है छुट्टी का टाइम, बता बता, चोरी पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई। इसका कहने का मतलब है कि अभी छुट्टी है तो मैं फोन देख सकता हूँ अभी, और जब स्कूल खुल जाएगा तो वो पढ़ाई करेगा, उसका कहने का मतलब ये है। देखो बच्चों की भी चालाकी कितनी है, कितना मतलब तेज है अपने आप में, कि अभी छुट्टी है स्कूल की इसलिए वो फोन देख रहा है, जब वो छुट्टी खत्म हो जाएगी तो वो पढ़ाई करेगा। और ये देख सकते हैं वो चेयर पर ही बैठा है अभी और फोन देख रहा है, तो फोन तो भैया जाने वाला है नहीं, बच्चे पढ़ाई भी कर लेंगे लेकिन फोन हाथ में जरूर ही रहेगा। और गुनगुन देख रही है यहाँ पर कुछ, इसमें फिल्म चल रही है, पता नहीं कौन सी उसकी है ये, KGF फिल्म देख रही है वो और कार्तिक रूम में ही था, तो कार्तिक क्रिकेट खेल रहा था तो छुप गया है कार्तिक। और मैं यही दिखा रही थी बच्चों की आज टेबल की, मैं जो गई थी तो मैं टेबल दिलाने गई थी ताकि बच्चे आसानी से अपने रूम में पढ़ाई कर सकें, क्योंकि बेड हो तो खतरा रहता है, क्योंकि बच्चे ड्राइंग वगैरह भी करते हैं और बहुत सारे काम होते हैं, पढ़ाई के सामान भी रखना होता है, तो टेबल होना ही चाहिए। तो जब हम इतना कुछ करते हैं बच्चों के लिए तो उनके बैठने की सुविधा, उनके बुक रखने की, ये सब चीज़ भी होनी ही चाहिए। तो ये लेकर आए हैं हम,
तो ये हमने डायरेक्ट ऐसे ही खरीद लिए, सोच रहे थे बनवाएंगे लेकिन बनवाने में काफ़ी समय लगता, तो हम ऐसे ही इसको डायरेक्ट खरीद कर ले आए हैं और ये सही भी लग रही है हमें। तो फ्रेंड्स, बातों ही बातों में बहुत सारा वीडियो लंबा हो गया, इससे ज़्यादा वीडियो लंबा करना है नहीं क्योंकि वीडियो को कोई देखेंगे नहीं तो बहुत सारा समय लगता है, एडिटिंग में बहुत सारा समय लगता है, इसके हर काम में वीडियो के में, तो इतना ही रखूंगी, देखती हूँ कितना हो गया होगा। तो आज की वीडियो को बस मैं यहीं पर समाप्त करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी। मेरे बच्चों की स्टडी टेबल आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा और गणेश को बोलिएगा कि वह पढ़ाई करे ताकि मैं गणेश को आपके कमेंट पढ़ के सुना सकूं। यदि आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तभी पता चलेगा कि मैं गणेश जी के लिए क्या बोल रही हूँ। तो गणेश जी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने चाहिए पढ़ाई के लिए, क्योंकि वह फ़ोन ज़्यादा देखता है, पढ़ाई के समय पढ़ाई करता है लेकिन कम करता है, फ़ोन में ज़्यादा देता है, तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं मिलूंगी फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगी। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।